जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग कब किया जाता है। जब आप किसी को सामान सेल करते हो, सामने वाला ग्राहक आपको सभी सामान या कुछ सामान लौटा देता है, तो उस लौटाए गए सामान की एंट्री करने के लिए आपको क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम सामान को सेल करते हैं, इसके बाद हम लोग सामान को लौटाएंगे। तो सामान को सेल करने के लिए गेटवे आप टैली के वाउचर्स में आएंगे। वाउचर में आने के लिए सामान सेल करने के लिए आपको जो शॉर्टकट की होता है वो F8 प्रेस करना होगा। आप F8 प्रेस कर सकते हैं या साइड में यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स वाउचर नंबर हमारा 3 है। इससे पहले हम 2 वाउचर यूज कर चुके हैं। पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी को आप सामान बेच रहे हैं। यदि आप कैश में बेच रहे तो सिंपल आप कैश लिख सकते हैं। यदि आप उधार पर सामान बेचे थे तो उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, उसका अंडर लिख लीजिएगा सैंडी डेबिटर। तो मान लीजिए मैं कैश में बेचा हूँ, तो यहाँ पे हम सिंपल भर लेंगे कैश और इंटर करते हुए नीचे चले आएंगे। और यहाँ पे उस बायर्स में उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जो व्यक्ति हमसे सामान खरीद रहा है। मान लीजिए उसका नाम है राज कुमार। अब राजकुमार नाम के व्यक्ति ने हमसे सामान खरीदा है, यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, यहाँ पे उसका स्टेट लिख लीजिएगा और इंटर करके नीचे चले आइएगा। अब चूंकि हमारा कंपनी भी उत्तर प्रदेश का है और जो राज जो हमसे सामान कैश में खरीद रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश के ही है, तो यहाँ पे हम सेल इन स्टेट का लेजर सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको सेल इन स्टेट का लेजर क्रिएट करना नहीं आता है तो लेजर का भी वीडियो हमने बना रखा है, जिसको इंड स्क्रीन पर लगा देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेम ऑफ आइटम पे उस नाम को सेलेक्ट करेंगे जिस सामान को आप बेच रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे सैमसंग M31S जो कि इस समय हमारा 40 पीस है यही बेचेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। लोकेशन में उस गोडाउन को बताइए जहाँ पे आपने उस सामान को रखा हुआ है। तो चिलिया में मैं उस पीस को रखा हूँ जो कि 40 पीस है, और 10 क्वांटिटी जो इसका 10 पीस है, मैं 10 पीस बेच रहा हूँ। तो इसके बाद नीचे आ जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई और सामान है जो बेच रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको नहीं बेचना है तो एक बार सिंपल और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको GST लगानी है। तो आपको पता होगा कि जब हम अपने ही राज्य में कोई सामान खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ पर CGST तथा SGST लगता है। तो सिंपल हमने यहाँ पर CGST लगा दिया और यहाँ से हमने SGST भी लगा दिया। और देखिए CGST SGST तथा आप जो सामान सेल करें सभी का जो अमाउंट शो कर रहा है वो शो कर रहा है 2,56,000। 2 लाख रुपए का सामान है, 56,000 रुपये इस पर GST का टैक्स लगा हुआ है। और इंटर करते हुए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मान लीजिए आपने सामान तो बेच दिया। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे स्टॉक समरी चेक करा देता हूँ। सामान मेरा कम हो गया होगा, पहले 40 पीस था और इस समय सैमसंग M31S कितना बचा है, मात्र 30 पीस बचा है, यानी कि 10 पीस हमने बेच दिया है। और इस समय हमारे पास जो कैश में अमाउंट शो कर रहा है वो कैश अमाउंट शो कर रहा है 5,28,000 रुपया। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति को हमने बेचा था वह व्यक्ति अब हमको सामान लौटा रहा है कि भैया आप सामान हमारा इसमें से जो 10 सामान आप बेचे हो हमको, ये 5 सामान अपना वापस ले लीजिए, मुझे केवल 5 ही लेना है, 5 मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उस सामान को आप वापस लेंगे और वापस आप एंट्री करने के लिए उसको जो अपने गोडाउन में दोबारा दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग करना होगा, जिसके लिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे आना होगा वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद आपको अगर माउस के माध्यम से कर रहे हैं तो अदर वाउचर में जाना होगा। अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएगा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट वाउचर का वैसे शॉर्टकट की भी यूज कर सकते थे, Alt F6 होता है, Alt F6 करेंगे उससे भी हो जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करना, लेकिन हमने कैश में बेचा था तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे और इंटर करते हुए नीचे चले आएंगे। और वो व्यक्ति जो बायर जा था उसका नाम हम लोग क्या लिखे थे, लिखे थे राज कुमार। तो आप चाहें तो राजकुमार लिख लें, यहाँ से कोई प्रभाव पड़ता है नहीं। इंटर करते हुए नीचे चले आएंगे। इसके बाद यहाँ से लेजर, तो हमारा सेल इन स्टेट का लेजर था। अब प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं 5,28,000 हमारा कैश में है इस समय अमाउंट। नेम ऑफ आइटम में उस सामान का नाम हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो सामान हम वापस लौटा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या था, Samsung M31S जो कि इसमें 30 पीस है। और कहाँ पे रखेंगे हम लोग, चिलिया में रखेंगे। 5 पीस वापस लौटा रहा तो हम लोग यहाँ पे 5 पीस लिखेंगे और इंटर करते हुए नीचे चले आएंगे। एक बार और इंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे GST लगा देंगे, CGST तथा SGST दोनों लगाने के बाद इंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे EV बिल नहीं देना है। तो इस हिसाब से 1,28,000 रुपये का सामान हमारा वापस हो जा रहा है CGST SGST और अमाउंट मिला के। सामान तो 1 ही लाख का है लेकिन 28,000 रुपये हमारा GST भी रिटर्न हो रहा है। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। अब आपको मैं इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है वो दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में जब आएंगे तो अभी तक आपको Samsung M31S आपको कितना पीस शो कर रहा था, 30 पीस शो कर रहा था। अब कितना हो गया है,
35 पीस हो गया, यानी कि 5 पीस हमारे पास रिटर्न आ चुका है। और आपका जो भी अमाउंट जो शो कर रहा था वो 5,28,000 शो कर रहा था, इस समय कितना शो कर रहा है? इस समय आपका केवल 4 लाख शो कर रहा है, यानी कि आपका पैसा कम हो गया और आपकी स्टॉक में जो सामान था वो बढ़ गया है लौटाने के कारण। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों से शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि टैली पर जैसे ही हम आगे वीडियोस लाते रहें तो आपको वह वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको देख कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकें।